हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं होल विजार्ड और स्टैंडर्ड पार्ट्स। यहाँ पर कोई अगर सर्कुलर कटिंग करना रहेगा तो सर्कल बनाया, एक्सट्रूड कट किया तो वैसा कटिंग किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड देखा जाए तो सर्कुलर कटिंग करना रहेगा तो होल विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर होल विजार्ड कमांड लिया, ज्यादातर सादा होल कट करना है तो सिंपल होल लिया जाता है, और थ्रेडिंग वगैरह दिखाना है तो स्ट्रेट टैप टाइप लिया जाता है। ये दो ही ऑप्शन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। पहला होल टाइप देखते हैं। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। समझो इंचेस में कट करना है तो एनएसआई इंच लिया जा सकता है, मेट्रिक में कट करना है तो एनएसआई मेट्रिक लिया जा सकता है, या फिर एनएसआई मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ जो है वो भी मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है, तो आईएसओ लिया तो बेहतर है, आईएसओ सिलेक्ट किया। यहाँ पर सादा ड्रिलिंग कट करना है तो ड्रिल साइजेस यहाँ पर लिया जा सकता है, कितने का होल कट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो 11 का कट करना है तो 11 सिलेक्ट किया। डेप्थ वगैरह अलग रखना है तो अलग यहाँ पर रखा जा सकता है। पोजीशंस में गए, अभी लोकेशन सेट करना है तो यहाँ पर पोजीशन में गए, सिलेक्ट द फेस वो पूछता है। फेस के लिए समझो ये टॉप फेस सिलेक्ट किया तो ये टॉप फेस पर होल हम सेट कर सकते हैं। लेफ्ट माउस द्वारा इधर भी क्लिक कर लिया। अभी एग्जैक्ट लोकेशन सेट करना है तो स्मार्ट डायमेंशन से उसका लोकेशन हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये सेंटर पॉइंट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये एज सिलेक्ट किया, तो इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। ये कितने का रखना है समझो 25 का रखना है। बाद में ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और ये एस सिलेक्ट किया, या फिर ये सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पर सिलेक्ट। एज नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो ये प्लेन सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और इनके बीच यहाँ पर डिस्टेंस दिया जा सकता है, ये कितने का रखना है समझो 10 का रखना है, तो वैसा लोकेशन यहाँ पर सेट किया जा सकता है। दोनों साइड से लोकेशन सेट किया और ओके दिया, और यहाँ पर ओके दिया तो यहाँ पर होल कट किया जा सकता है, यहाँ पर होल कट किया जाएगा सादा होल। यहाँ पर भी ये सेक्शन व्यू अगर लेते हैं, यहाँ पर ये सेक्शन ऑप्शन है, ये सेक्शन ऑप्शन है तो ये कैसा कट हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होल का जो है वो 118 डिग्री का एंगल रहता है। सिंपल होल यहाँ पर ये भी क्या बोलते हैं, फ्लैटनेस में अगर कट करना है तो यहाँ पर होल विजार्ड कमांड लिया, ड्रिल साइजेस बाकी ऑप्शंस वैसे ही रखा, यहाँ पर कस्टम साइजिंग लिया, यहाँ पर 118 डिग्री की जगह 180 डिग्री सेट किया तो फ्लैटनेस में दिखाया जा सकता है। और समझो 11.05 का होल कट करना है तो वो स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा तो आपको वो वैल्यू सेट करना पड़ेगा। 11.05 सेट किया, यहाँ पर 180 डिग्री लिया तो वो फ्लैटनेस में दिखाया जा सकता है। डेप्थ वगैरह कम ज्यादा करना है तो इधर से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर पोजीशन में गए, ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर होल कट किया जा सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन सेट करना है तो स्मार्ट डायमेंशन से लोकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो, ये सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट लिया और इनके बीच डिस्टेंस दिया जा सकता है, 40 का सेट किया। बाद में ये प्लेन सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट,
इज डायमेंशन ड्रिवन, और ये सेंटर पॉइंट है और ये इससे लिख के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है, वैसा होल यहाँ पर कट किया जाएगा। ओके दिया, तो अलग साइज आप सेट कर सकते हैं। ये अगर वापस यहाँ पर थ्रेडिंग पर लिया, ये अभी फ्लैटनेस में आपको दिख जाएगा। तो अलग साइज का डायमीटर और शेप का डायमीटर और फ्लैटनेस में आप इस तरह से कट कर सकते हो। थ्रेडिंग वगैरह का दिखाना है तो यहाँ पर होल विजार्ड में यहाँ पर स्ट्रेट टैप ऑप्शन दिया, तो थ्रेडिंग वगैरह दिखाया जा सकता है। स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। इंचेस में कट करना है तो NSI इंच, मेट्रिक में कट करना है तो NSI मेट्रिक, या फिर ISO जो है वो मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है। मैकेनिकल के ज्यादातर पार्ट मिलीमीटर में रहते हैं तो ISO लिया तो बेहतर है। यहाँ पर भी कस्टम साइजिंग ऑफर का कितने का थ्रेडिंग दिखाना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये M12 है, इसके आगे का वैल्यू जो है वो पिच का रहता है। पिच मतलब दो थ्रेडिंग के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर ये M12 इंटू 1.25 है, M12 इंटू 1.5 है और ये M12 है। जो पिच फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है वो उसका पिच वैल्यू दिया नहीं जाता है, तो यहाँ पर M12 सेट कर लिया। M12 का थ्रेडिंग अगर दिखाना है तो थ्रेड ड्रिलिंग का लंबाई 32.75 रहना चाहिए और थ्रेडिंग का डेप्थ 24 mm रहना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अलग रखना है तो अलग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी कॉस्मेटिक थ्रेड ऑप्शन ऑन रखा जाता है, तो सर्कल के चारों ओर और एक सर्कल दिखाया जाता है और इसका जब भी ड्राइंग बनता है तभी लाइन के बाजू में और एक लाइन दिखाया जाता है, इससे हमको पता चल सकता है कि यहाँ पर थ्रेड कट हो चुका है। ये इसका लोकेशन अभी सेट करना है तो पोजीशन में गए, ये फेस सेलेक्ट किया। एग्जैक्ट लोकेशन सेट करना है तो स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका लोकेशन सेट किया जा सकता है। ये लिया और ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इसका लोकेशन यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये कितनी तरफ नहीं, ये 23 का है, इसको 25 का करना है, 25 सेट किया। बाद में ये सेंटर पॉइंट लिया और ये प्लेन सेलेक्ट किया। दोनों साइड से डायमेंशन आया हुआ है, इसकी वजह से एक डायमेंशन रेफरेंस रह गया। ये सेंटर पॉइंट है और ये प्लेन है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर समझो 20 का रखना है, तो वैसा रखा जा सकता है। ये 20 की जगह जो 22 है, तो यहाँ पर थ्रेडिंग यहाँ पर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर सर्कल के बाजू में और एक सर्कल दिखाया जाता है और यहाँ पर फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में M12 टैप होल करके मेंशन आता है। यहाँ पर थ्रेड एक्चुअल कट हुए नहीं दिखते क्योंकि वो थ्रेडिंग, इसके लिए इसको कॉस्मेटिक थ्रेडिंग बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल थ्रेड कट करके दिखाने जाएंगे तो कंप्यूटर पर लोड आके वो स्लो होता है, इसलिए इसको कॉस्मेटिक थ्रेडिंग बोला जाता है। यहाँ पर सिर्फ थ्रेडिंग का सिर्फ इमेज टाइप अगर आपको रखना है तो यहाँ पर टूल्स ऑप्शंस में आप जा सकते हो। यहाँ पर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर डिटेलिंग में शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड ऑप्शन चालू रखा, तो यहाँ पर थ्रेडिंग का इमेज टाइप पास यहाँ पर आप बना सकते हो। वैसे काउंटर बोर वगैरह दिखाना है, काउंटर बोर में क्या होता है कि बोर्ड का जो हेड है हेक्सागोनल हेड वो भी अंदर बिठाया जा सकता है। यहाँ पर ज्यादातर ये दो ही ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, सिंपल होल और स्ट्रेट टैप। ये काउंटर बोर वगैरह दिखाना है तो काउंटर बोर यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर कितने का बोल्ट पास कर स्टैंडर्ड कौन सा लेना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। टाइप कौन सा बोल्ट का टाइप रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। कितने साइज का बोल्ट रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो M12 का
बोल्ट हमको अंदर बिठाना है, तो वो सिलेक्ट किया, फिट नॉर्मल रखा, तो वैसे डायमीटर तैयार हो जाएंगे। अगर डायमेंशन में आपको कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करना है, तो यहाँ पर शो कॉस्मेटिक, शो कस्टम साइजिंग लिया, तो अलग साइज आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर माइनर डायमीटर 13.5 का है, मेजर डायमीटर 23.785 का है, मतलब होल के ऊपर और एक होल कट किया जाता है, इसके लिए इसको काउंटर बोर बोला जाता है, मतलब बोर्ड का हेड अंदर बिठाया जा सकता है। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वैसा यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। लोकेशन वगैरह सेट करना है तो पोजीशन में गए, सिलेक्ट द फेस पूछता है, फेस के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर काउंटर बोर्ड आप बना सकते हो। इसका भी लोकेशन सेट करना है तो स्मार्ट डायमेंशन में जाके तो लोकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो। तो बोल्ट के ऊपर और एक सॉरी होल के ऊपर और एक बड़ा मेजर डायमीटर का होल कट किया जाएगा। वैसे स्क्रू का हेड अंदर बिठाना है तो यहाँ पर होल विजार्ड में गए, यहाँ पर काउंटर सम ऑप्शन लिया, तो स्क्रू का हेड भी अंदर बिठाया जा सकता है। ये कितने साइज यहाँ पर स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट किया, स्क्रू का साइज कितना रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। डायमीटर वगैरह अलग सेट करना है तो अलग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसमें जो स्क्रू रहता है उसका स्क्रू का हेड भी अंदर बिठाया जा सकता है। मेजर डायमीटर वगैरह कम ज्यादा करना है आपके हिसाब से, तो वैसा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। शो कस्टम साइजिंग ऑन रख के डेप्थ वगैरह कितना तक रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। लोकेशन इसका सेट करना है तो पोजीशन में गए, ये फेस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर स्क्रू यहाँ पर बिठाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्क्रू का हेड अंदर बिठाने के लिए स्पेस तैयार हो जाता है। सिंपल स्लॉट वगैरह कट करना है, स्लॉट वगैरह कट करना है तो तो नॉर्मल तरीके से लेना है, तो यहाँ पर स्केचिंग में से स्ट्रेट स्लॉट का स्केच पहला बना लिया और बाद में एक्सट्रूड कट लिया जा सकता है, या फिर दूसरा रास्ता है कि अगर डायरेक्टली बनाना है तो यहाँ पर होल विजार्ड में गए, यहाँ पर स्लॉट ऑप्शन लिया, ड्रिल टाइप में ड्रिल साइजेस ऑन रखा, कितने का स्लॉट कट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। सब 15 का स्लॉट कट करना है तो 15 सिलेक्ट किया, 15 डायमीटर का स्लॉट कट किया जाता है। स्लॉट का लेंथ कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। डेप्थ कितना रखना है स्लॉट का लेंथ समझो 60 का रखना है तो 60 सेट किया, डेप्थ कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। लोकेशन सेट करना है तो पोजीशन में गए, ये फेस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर स्लॉट वगैरह कट किया जा सकता है। स्मार्ट डायमेंशन से उसका लोकेशन यहाँ पर सेट किया जाएगा, स्मार्ट डायमेंशन से लोकेशन उसका सेट किया जा सकता है। ये सेंटर पॉइंट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये इससे लिया, इसको इसका 25 लिया, बाद में ये सेंटर पॉइंट ये इस सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट लिया और इसका लोकेशन सेट किया, कितना तक रखना है समझो 40 का रखना है, तो वैसा लोकेशन यहाँ पर सेट किया जाएगा। ओके दिया और ओके दिया, तो वैसा स्लॉट यहाँ पर कट किया जा सकता है, तो डायरेक्टली स्लॉट आप बना सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस है लेकिन उतना इस्तेमाल उसका नहीं होता है। टेपर टैब जो है वो पाइप थ्रेडिंग वगैरह दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, काफी रेयर केस में यूज होता है। आपके हिसाब से अगर आपका सर्कुलर होल कट करना है तो यहाँ पर लीगसी होल लिया जा सकता है, तो डायमीटर वगैरह आप अपने हिसाब से डेप्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ज्यादातर इतने ही ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, इसमें से भी सिंपल होल और स्ट्रेट टैप इस्तेमाल होता है। फेस के लिए ये फेस सिलेक्ट है, तो यहाँ पर
उस डायमीटर का लीगेसी होल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ 2016 के बाद यहाँ पर थ्रेडिंग करके ऑप्शन आता है। समझो 10 डायमीटर का सर्कल बनाया और एक्सट्रूड कट किया और उसको थ्रेडिंग दिखाना है, तो यहाँ पर थ्रेडिंग करके एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो एक इंटरनल थ्रेडिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। वैसे ही एक्सटर्नल थ्रेडिंग दिखाना है तो 10 डायमीटर का सर्कल बनाया, उसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद एक्सटर्नल थ्रेडिंग वगैरह वहां पर बनाया जा सकता है। ये हो गया। बाद में ऑटोकैड वाले, सॉलिड वर्क्स वालों ने कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स दिए हुए हैं, वो अगर लेना है तो यहाँ पर टास्क पेन टूल बार में डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक किया, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। इंच के हिसाब से इंच का पार्ट बनाना है तो ANSI इंच लिया जा सकता है। ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मेट्रिक में बनाना है तो ANSI मेट्रिक भी लिया जा सकता है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है तो IS लिया जा सकता है। या फिर ISO जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मिलीमीटर का इस्तेमाल होता है, मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है, तो ISO लिया तो बेहतर है। ISO फोल्डर पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर कौन सा पार्ट बनाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो बेरिंग बनाना है, बोल्ट्स एंड स्क्रूज बनाना है, तो वो फोल्डर पर जाकर डबल क्लिक किया। यहाँ पर बोल्ट्स के भी टाइप्स है, कौन सा टाइप का बोल्ट चाहिए वो उस टाइप पर जाकर डबल क्लिक किया। ये बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया, तो बोल्ट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर कितने डायमीटर का बोल्ट तैयार करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। जो M20 का करना है तो M20 सेट किया। M मतलब मेट्रिक है। चैम्पर वगैरह दिखाना है तो चैम्पर ऑन रखा, या फिर वॉशर फेस लिया तो यहाँ पर वॉशर का फेस यहाँ पर आगे के फेस पर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर वॉशर का फेस तैयार हो जाएगा। जैसा प्रॉपर्टी सेट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर पार्ट तैयार होते जाता है। लेंथ कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। बाद में थ्रेडिंग का लेंथ कितना तक का रखना है, 48 रखना है या फिर टोटल 75 तक का रखना है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसा सिलेक्ट करोगे वैसा पार्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये थ्रेडिंग कैसा दिखाना है, सिंप्लीफाइड लिया तो थ्रेडिंग तैयार नहीं होगा, कॉस्मेटिक लिया तो थ्रेडिंग का बास होता है, कॉस्मेटिक लिया तो यहाँ पर थ्रेडिंग का बास तैयार किया जाता है, और स्कीमेटिक लिया तो एक्चुअल थ्रेड कट किए हुए दिखाई देते हैं। ओके लिया तो यहाँ पर ये बोल्ट का पार्ट तैयार होता है, लेकिन वो पिछले विंडो में तैयार होता है, वो विंडो में जाके वो विंडो ओपन कर लिया, और ये पार्ट अगर सेव किया जाता है तो उसका इस्तेमाल असेंबली में कर सकते हो। ये पार्ट आपको आपके फोल्डर में जाके सेव करना पड़ेगा, तो ही ये पार्ट आप असेंबली में इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे पार्ट्स है, आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर ये बोल्ट हो गया, वैसा ही समझो नट वगैरह बनाना है तो नट का पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर हेक्सागोनल नट फाइन थ्रेड लिया, ये कौन सा है, ये वो नट का पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया, तो नट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये M20 ये जो है आगे वाला वो उसका पिच रहता है। ये M20x1.5 लिया, डबल चैम्पर चाहिए या वॉशर फेस चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। वॉशर फेस आगे वाले साइड में वॉशर तैयार होता है, या फिर चैम्फर चाहिए तो चैम्फर लिया। यहाँ पर सिंप्लीफाइड लिया तो थ्रेडिंग तैयार नहीं होता है, कॉस्मेटिक लिया तो थ्रेडिंग का बास होता है, या फिर स्कीमेटिक लिया तो एक्चुअल थ्रेड को हुए दिखाई देते हैं। ओके दिया तो यहाँ पर नट का पार्ट तैयार होता है। ये पार्ट ओपन करना है तो वो पिछले विंडो में तैयार होता है, विंडो में से जाके वो विंडो ओपन कर लिया,
और ये पार्ट आपके फोल्डर में सेव करके रखा तो ये पार्ट असेंबली में आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो ये आईएसओ के हिसाब से अगर तैयार करने जाएंगे तो पहले इसका अक्रॉस द कॉर्नर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, बाद में इसका डेप्थ फाइंड करना पड़ेगा, ये चैम्फर का फिलेट का रेडियस वगैरह फाइंड करना पड़ेगा, हाइट वगैरह फाइंड करना पड़ेगा, रिवॉल्व कट देना पड़ेगा, बाद में ये स्क्रू का पिच फाइंड करना पड़ेगा, और स्वीप कट वगैरह लेना पड़ेगा, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे अच्छा कि रेडीमेड पार्ट्स आप बनाते हो तो दिखने में भी वो अच्छा दिखता है और एग्जैक्ट साइज भी मिल जाता है। वैसे ही गियर्स वगैरह बनाने हैं, काफी सारे पार्ट्स हैं, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। समझो यहाँ पर गियर्स वगैरह बनाना है, यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन फोल्डर में है, यहाँ पर गियर्स फोल्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर समझो सादा गियर बनाना है तो स्पर गियर लिया, स्पर गियर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया, तो स्पर गियर का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये भी स्टैंडर्ड जैसा प्रॉपर्टी सेट करोगे उस तरह से पार्ट तैयार होता जाएगा। यहाँ पर एक मॉड्यूल, अगर कोई एक मॉड्यूल पहले गियर को जो मॉड्यूल आप सेट करते हो वही मॉडल का पार्ट आगे वाले गियर को भी आपको बनाना पड़ता है, तो ही वो गियर प्रॉपरली मेश हो जाते हैं, नहीं तो मेशिंग में एरर आता है। समझो यहाँ पर 2.5 मॉडल का गियर का पार्ट बनाया, यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ कितने चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो ये 40 टीथ का बनाना है तो 40 टीथ सिलेक्ट किया, या फिर 10 टीथ का बनाना है तो 10 टीथ सिलेक्ट किया, तो 10 टीथ का गियर का पार्ट तैयार होता है। प्रेशर एंगल जो भी है स्टैंडर्ड वो ही रखा, फेस विड्थ मतलब थिकनेस, ये ऐसा ऐसा वाला थिकनेस कितना रखना है वो यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। हब स्टाइल टाइप ए रखा तो शाफ्ट तैयार नहीं होता है, टाइप बी रखा तो एक साइड में शाफ्ट तैयार होता है, टाइप सी रखा तो दोनों साइड में शाफ्ट तैयार होता है, कैसा रखना है वो आप सेट कर सकते हो। टाइप ए रखा समझो, नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर मतलब इंटरनल डायमीटर, ये बोर कितने का बनाना है वो आप नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर सेट सेट कर सकते हो। किवे वन रखा तो एक किवे तैयार होता है, नन रखा तो किवे तैयार नहीं होगा। शोटी 10 रखा तो पूरा 10 टीथ यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। ओके दिया तो ये पिछले विंडो में तैयार होता है, ये विंडो यहाँ पर ओपन कर लिया, और ये पार्ट आप कंट्रोलर देखिए आप इस पार्ट को सेव कर सकते हो, फाइल में जाके सेव एज लिया तो ये पार्ट को आप सेव कर सकते हो, आपके फोल्डर में सेव करके रखो तो ये पार्ट असेंबली में आप इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे पार्ट्स आते हैं, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो और असेंबली में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके थैंक यू।